बता दें कि औरैया में कंपटीशन की तैयारी कर रही एक छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया। आरोप है कि बीते 29 नवंबर को कोचिंग गई छात्रा को अगवा करके स्कॉर्पियो सवार युवकों ने गैंगरेप किया और वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी। इस मामले में पुलिस समझौता करने का दबाव बना रही है। जिलाधिकारी से शिकायत करने के बाद अंकित यादव और अर्पित यादव समेत 4 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, लेकिन कोतवाली पुलिस ने अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। आरोप है कि पीड़िता दबंगों के चंगुल से भागकर किसी तरह महिला थाने पहुंची और पुलिस को अपनी आपबीती उसने बताई, लेकिन महिला थाने में भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। महिला पुलिस ने मामले को दबाने की कोशिश की। मुख्य आरोपी अंकित सेना का जवान बताया जा रहा है और SP ने पुलिस अफसरों के खिलाफ भी जांच का आदेश दिया है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि 29 नवंबर को उनके साथ घटना हुई है कि लड़की के साथ रेप का इंसिडेंट हुआ है कि वो इंस्टीट्यूट में पढ़ती हैं या शहर की तरफ उधर से जा रही थी, तो 4 लड़के आए स्कॉर्पियो पर, उसको ज़बरदस्ती ले गए। पीड़िता को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। इसके अलावा भी जो बाकी तथ्य हैं उसमें उनको हम प्रॉपर जांच कर रहे हैं। जो मेन आरोपी इसमें बताया जा रहा है, संज्ञान में आए हैं कि वो शायद इलाहाबाद में पोस्ट है और आर्मी में सैनिक है। हम पता कर रहे हैं कि वो किस बटालियन में है ताकि हम ऑफिशियली उनसे वेरीफाई करा सके कि 29 तारीख को जबकि घटना बताई जा रही है उस दिन वो ऑफिशियली यूनिट से बाहर था या नहीं था, छुट्टी पे था या किसी काम से बाहर था। और हमारे संवाददाता गौरव इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। गौरव, कहां तक पहुंची इस पूरे मामले की जांच? यासिर, आपको बता दूं कि अब पूरे मामले में SP ने 2 टीमें गठित की हैं आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए, और वहीं पे जो लगातार 7 दिन तक महिला थाना पुलिस जो पीड़िता को टहलाती रही उस पर एडिशनल SP को जाँच सौंप दी गई है। SP का कहना है कि अगर इस जाँच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी, लेकिन अभी इस पूरे मामले में जो दोषी हैं, उन जिन पर आरोप लगा है, जो आरोपी कहा जाए, तो वो कहाँ हैं अब? क्या उन पर कोई कार्रवाई की जा रही है? उसके लिए 2 टीमें गठित कर दी गई हैं। फिलहाल अभी तक किसी भी आरोपी को पुलिस पकड़ नहीं पाई है। हालांकि 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी गिरफ्तारी किसी की नहीं हो पाई है। लेकिन बताया ये भी जा रहा है इसमें कि कोई सेना का जवान इसमें आरोपी है, जिससे की पुलिस कार्रवाई करने से बच रही है। मुख्य आरोपी जो है अंकित यादव, वो सेना का जवान बताया जा रहा है, वो इलाहाबाद में पोस्टेड है। अब पुलिस की एक टीम इलाहाबाद पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जिस तारीख को घटना घटित हुई उस समय क्या जो आरोपी अंकित यादव है वो वहां पे बटालियन में था या कहीं गया हुआ था। इस पूरे मामले की सेना के मुख्यालय में जाके वहां पे जांच की जाएगी, पता चलेगा कि उसने कहा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। नजर बनाए रखें आप इस पूरे मामले पर। गौरव, आगे अपडेट लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास।